हे गाइस, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। वीडियो के दो टॉपिक हैं, वो हैं एक एडी बूथराट जमशेदपुर एफसी के और एक है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के मार्को बालबुल। भाई सब दोनों ही विदेश से सलाह बनाकर आए थे कि दोनों टीमों को हराना है। नहीं, हमको पहले ही इन्फॉर्म कर देते, हम खुद ही हेड कोचिंग कर लेते, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई सब सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेड कोच के ऊपर। हेड कोच अपनी टीम को ऐसे संभाल कर लेकर चलता है एक बाप अपने बेटे को, है ना। बाप अपने बच्चे को संभाल कर जैसे लेकर चलता है, ऐसे हेड कोच का फर्ज बनता है अपनी टीम को एक अच्छे तरीके से ट्रेंड करके लेकर चलूं। लेकिन नहीं भाई साहब, एक तरफ हैं जो कि रेड कार्ड खाए जा रहे हैं और एक तरफ हैं वो टीम में रेड कार्ड घुसाते जा रहे हैं। भाई समझ में नहीं आ रहा मुझे, दोनों का ही मसला क्या है मुझे ये बताओ यार, है ना। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की जो टीम है ना, एकदम बैलेंसड, एकदम एक्यूरेट एंड एकदम परफेक्ट टीम है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। उसी तरीके से जमशेदपुर एफसी में ऐसी कोई कमी नहीं है जिसको हम बता सकें हाँ इनके डिफेंस में कमी है, इनके सेंटर मिड में कमी है या फॉरवर्ड में कमी है। कमी इनके कोच में है भाई। चलिए मार्को बालबुल का तो हम कह भी सकते हैं हाँ भाई कोच हैं, उतना बड़े पैमाने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एडी बूथराट को देखिए आप भाई साहब, उनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी है? मेसन माउंट, जैक ग्रिलिश, फोडेन, रैशफोर्ड, किस किस को ट्रेन नहीं किया भाई। अच्छे भले माइंडेड कोच हैं एडी बूथराट, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो यहाँ पर दोनों की बात कर रहे हैं। लेकिन दोनों को एक ही तराजू में रखें ना तो भाई साहब बैलेंसड रहेंगे, कोई आगे पीछे नहीं जाएगा, आगे नीचे नहीं जाएगा, बैलेंसड रहेंगे। यही बात कहना चाहूंगा भाई साहब, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को भी अपना कोच चेंज करना चाहिए, जमशेदपुर एफसी को अपने कोच को चेंज करना चाहिए। लेकिन अभी भी टाइम है, दोनों टीमों के पास अभी भी टाइम है कुछ बढ़िया करने का। अपने कोच को चेंज कीजिए, अच्छे कोच को लेकर आइए, नहीं तो भाई साहब अपने इन्हीं कोच पर विश्वास रखिए एंड अगले सीजन में एक बढ़िया टीम बनाने की कोशिश कीजिएगा ताकि फैंस का दिल ना तोड़ें। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के फैंस तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। पिछला जो मैच हुआ था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वर्सेस मुंबई सिटी एफसी, उसमें सिर्फ 300 पब्लिक आई थी, सिर्फ 300 पब्लिक, आप देख लीजिए। वो तो प्रोटेस्ट पर उतर आएंगे भाई साहब कुछ ही दिनों में, ये बात मैं कह सकता हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जमशेदपुर एफसी की जो पब्लिक है भाई साहब, वो तो बहुत ही सत्यवान पब्लिक है भाई साहब। जितने भी लोग मैच देखने आते हैं ना जमशेदपुर के, वो मैनेजमेंट से कुछ भी नहीं बोलते, हाँ भाई हमें मैच देखना है, कुछ भी नहीं। भाई साहब टिकट खरीद कर अपना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो? अगर जेआरडी में कोई भी मैच है ना तो प्लीज़ मत देखने जाइएगा यार, आपकी नाक कट जाएगी वहाँ पर। वो टीम किसी काम की टीम नहीं है, काम के प्लेयर्स हैं लेकिन हेड कोच काम के नहीं है। बस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा, बस अपनी टीम के मैनेजमेंट से बात कीजिए, वहाँ पर खड़े होकर भाई साहब प्रोटेस्ट कीजिए, हमें अच्छी अच्छी गेम देखनी है, अच्छे हेड कोच देखने हैं, अच्छे गेम प्ले वाला एक मैच देखना है जिसमें भाई साहब पैसा वसूल हो चुके, जिसकी टिकट खरीद रहे हो वो पैसा वसूल तो हो कम से कम। बस दोनों ही कोच के ऊपर मैंने ये टॉपिक क्रिएट किया है और मैं बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और जमशेदपुर एफसी कोई कम नहीं है भाई साहब, एक ही सिमिलर टीम है, दोनों के पास प्लेयर सब कुछ है, सब कुछ है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन बस कमी है हेड कोच की। सो गाइस, आपका मेरी वीडियो में जुड़ने के लिए थैंक यू एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।